सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यूथ जनरेशन है वो उससे भी जो थोड़ा तो उनको जोड़ने के लिए भी सुन रहे थे। हाँ, यूथ जो जनरेशन है उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोनू निगम की अगर आप बात करें, वो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं शास्त्रीय संगीत, सरगम तान आलाप सब बहुत बढ़िया लेते हैं। आप पापोन की बात करें, वो शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाते हैं। आप अंकित तिवारी की बात करें, वो तो ध्रुपद धमार गाते हैं। तो यदि आप शास्त्रीय संगीत सीख के आएंगे तो आप देर तक टिकेंगे। सोनू निगम से ज़्यादा कौन टिका है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत का बैकग्राउंड को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही है लोक संस्कृत लोक गायन। हाँ, नहीं लेकिन दोनों को सरकार तो बढ़ावा सबको ही दे रही है। सरकार की ओर से शास्त्रीय संगीत को भी बढ़ावा है, लोक संगीत को भी बढ़ावा है। लोक संगीत को इसलिए ज़्यादा बढ़ावा है कि हमारा देश 75% हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, और गाँव में लोक संगीत ही होता है। इसलिए हमारे जो सरकार है वो लोक संगीत को बहुत बढ़ावा देना चाहती है। लोक संगीत में हमारे इसी उत्तर प्रदेश की मालिनी अवस्थी ने कितना सुंदर वातावरण बना के रखा है कि हर जगह उनके जो गाए हुए गाने हैं लोक संगीत, लोग मैं तो उन्हें लोक संगीत की क्वीन कहूँगा आजकल जो वो गाती हैं। भगवान उनको ऐसी बना रखे तो हमारे देश का जो लोक संगीत है, हमारे उत्तर प्रदेश का, बिहार का जो लोक संगीत है वो बहुत लोकप्रिय होता जाएगा। सर, जो विभिन्न चैनलों पे आते हैं टैलेंट शो प्रोग्राम होते हैं, ये कितने कारगर होते हैं युवा पीढ़ी के लिए? बहुत उससे फ़ायदा होता है। न जाने कितने सिंगर से वहाँ से आए हैं। आज अगर आप श्रेया घोषाल को देखें, वो भी तो वहीं से आई हैं। तो बहुत से सिंगर वहाँ से आए हैं, लेकिन वो फिर स्थापित तभी हो पाते हैं जब वो उसके बाद शास्त्रीय संगीत सीखते रहे, अभ्यास करते रहे। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बस वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपको अगर हम पूछें कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, तो आपको नहीं मालूम, क्योंकि उसने उसके बाद काम किया नहीं, अभ्यास नहीं किया। लेकिन अगर हम पूछें श्रेया घोषाल कौन है, तो आपको पता है, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने अपना स्थान आज बना लिया बहुत अच्छा। इसलिए किसी भी रियलिटी शो में जीतने के बाद ये न समझिए कि वो लता मंगेशकर बन जाएगा या वो मोहम्मद रफ़ी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद उनको लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भोजपुरी तो बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। आज भोजपुरी संगीत जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, यूट्यूब में कभी उसके देखिए व्यूज, तो एक एक गानों को 10-10 करोड़ लोगों ने देखा सुना, एक एक गाने को 20-20 करोड़ लोग सुन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये तभी हो रहा है कि उसकी लोकप्रियता है। ठीक है, अभी उसको उसका जो स्तर है उसको और बढ़ाना चाहिए। ये सभी कलाकारों को मैं वहाँ के कहूँगा कि यदि वो इसका स्तर जो है वो और अच्छा कर दें तो मुझे लगता है ये पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। सब कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि अश्लीलता ज़्यादा भोजपुरी के गानों में रहती है। तो वही तो मैंने हल्के शब्दों में कह दिया कि जरा उसको छानबीन करो, उसको छानो, तो फिर जो आपका संगीत है वो पूरा परिवार सुन सकेगा। अभी जो है वो यंग लड़के छोकरे सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको बड़े बड़े लोग सुने, जो लोग संगीत पसंद करते हैं, जो लोग संगीत का आदर करते हैं, तो वो तो तभी हो पाएगा यदि आप उसको और सुंदर और पवित्र बनाएं। सर, जैसे बॉलीवुड में पहले एक क्रेज हुआ करता था, क्या इसको मानते हैं? देखिए, बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में बिल्कुल ठीक हो रहा है। बॉलीवुड का मतलब क्या है? फिल्म। तो अगर फिल्म होगी मुगले आजम तो गजल आएगी, और अगर होगी दबंग तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। तो फिल्म के लिए बनता है ना संगीत। बॉलीवुड का संगीत जो है वो ना तो गज़ल ना भजन किसी के किसी को प्राथमिकता नहीं देता है। वो देता है कि स्टोरी क्या मांग रही है। अब अचानक फिल्म आ जाती है बॉर्डर, तो अच्छा गाना आ जाता है, संदेश से आते हैं। लेकिन अगर फिल्म आएगी जला के राख कर दूंगा तो उसमें क्या होगा? हाउसफुल, तो उसमें तो यही सब होगा ना। तो उसमें किसी म्यूजिक डायरेक्टर की कोई गलती नहीं। सर, आज की शाम दो सब कुछ गुनगुना दीजिए। हाँ, सुनिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
अयोध्या में प्रभुराम जी का मंदिर स्थापित हुआ उस पर कुछ अगर आपने सुनाता हूँ। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई, लेकिन आगे क्या होने वाला है। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। क्या ये होने वाला है, सब विश्वास है कि जब मथुरा भी बदलेगा इस बार। क्यों नहीं बदलेगा, पूरा देश बदलेगा। अरे जितने मंदिर हैं, जितने भी जहाँ प्रार्थना होती है, मैं तो सिर्फ मंदिर की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ जहाँ जाके पूजा की जाती है उस सब स्थानों को सुंदर बना दो। भाई हम लोग तो हर धर्म का आदर करते हैं, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि मस्जिद खराब हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि चर्च खराब हो जाए, गुरुद्वारे खराब हो जाए, सबकी उन्नति वैसे ही हो। वो सब हमारे देश के प्रतीक हैं, हमारे देश धर्म के लिए तो जाना जाता है। अरे अमृतसर जाओ गोल्डन टेम्पल देखो तो तबीयत खुश हो जाती है। तो हम चाहते हैं हर मंदिर जो है वो वैसा बने कि इंसान जाए पूजा करे और उसका कल्याण हो। और क्या उसको बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है, देखिए पूरी गणना से देश की पूरी आकृति पता लगती है, देश की पूरी खबर। पहले आधार कार्ड कहाँ था, किसी को पता था कौन कौन है क्या है? आज कोई बंदा खड़ा है आप तुरंत पता लगा सकते कौन है, उसको इधर आधार कार्ड देना है। पहले वो अपना नाम कुछ भी बता देता था, आज नहीं पता। ये हमारे जो मोदी जी आए ना, ये वरदान है देश के लिए, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये हैं अवतार पुरुष जिन्होंने आके इस देश को उत्थान का बीड़ा उठाया हुआ है और वो चल रहा है। जितना इतना हुआ कभी नहीं होता इतना काम। सर सांसद कंगना जी हैं, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन देश को पीछे ले जा रहा है। देखिए कंगना जी जो हैं वो जो बोलती हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलती हैं, उसके बाद उनको क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है, वो जो बोला था हम जल्दी में बोल गए हैं। तो हर व्यक्ति को बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा क्यों बोलना पड़े, एक बार ही बोलना पड़े। जैसे हम एक गाना गा रहे हैं, एक बार में ठीक गाएंगे तो है, दोबारा ठीक ठाक करके गाना पड़ेगा, तो पहली बार में चाहते ठीक गाना। तो हर एक को जो बोलना है वो इस तरह बोले कि उसको बाद में उसको सुधार ना करना पड़े उसका। ठीक सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।